किया है। शुक्रिया शुक्रिया। ना मुझमें कोई कूड़ा फेंके, ना मुझमें कोई कूड़ा फेंके, ना थूके है पार। क्या बात है, कमाल। शुक्रिया शुक्रिया। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान। लेकर ठंडा मैं चलाऊं, गोपाल नगर का मैं ऐसा धागर जो कहलाऊं, जनता सारी थर थर कांपे बोले म्याऊं म्याऊं, शासन सत्ता मेरे हाथ में, मैं बिन कुंजी का ताला। प्रिय संस्थानक, तुम नगर कोतवाल के रूप में स्थापित हो चुके हो। तुमने आज हमारे सबसे बड़े देशद्रोही दुष्ट आर्य को बंदी बनाकर हमें प्रसन्न कर दिया। काम प्रिय आओ ना। अपने भाई को आशीर्वाद के रूप में क्या देना चाहूं? मेरे प्रिय शकार भैया, आज जो मांगोगे वो मिलेगा, मांगो। दीदी, मुझे इस नगर की सबसे सुंदर नगर वधु रूप वधु वसंत सेना चाहिए। जनाबी, हेलो, परिंदेरों भिखारियों में बराबर बराबर बात। ठीक, मैं जाऊं। जाओ, बट ये तो मेरी मुद्रा है, तो रख लो। अरे वो हमें मूर्ख बना के भाग गया, पकड़ो उसे। सोने की है। कहा हूं मैं दरिद्र, जिसके पास धूता जैसी पत्नी हो, सुख दुख में साथ देने वाला मैत्रेय जैसा मित्र हो, और किसी भी परिस्थिति में सत्ता सच्चाई का साथ ना छोड़ना, यह भी तो दरिद्रता में दुर्लभ है। मैं दरिद्र कहां हुआ? मेरे पास सब कुछ है मित्र, सब कुछ। मित्र, तुम्हारे वसंत सेना के पास जाओ और यह रत्नावली उन्हें देकर उनसे कहना कि उनके दिए हुए आभूषण में भ्रम से जुए में हार गया। जाओ मित्र। वसंत जी, मैं एक अंतिम अवसर देता हूं, कहते तुम उससे प्रेम करती है। करूंगी।
की बात है कि आर्य वसंत सेना जीवित है, इसलिए आर्य चारु दत्त पर लगा अभियोग स्वतः समाप्त तो होता है और वो मुक्त किए जाते हैं। Hello, I just had a look and I just saw a beautiful play that had a very beautiful theme that depicted the goodness over evil, and I truly believe, and on Basant Panchami, this play depicted a beautiful theme that was that good has always become victorious over evil, and that is what we saw today, and it was a lovely play, it was very nice watching it, so thank you. बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड स्पेशली जो विलन थे उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें डांस भी था, इमोशंस भी थे, एंड डायलॉग्स इतने मतलब याद रखना वेरी नाइस, दो मिनट भी मतलब ध्यान इधर उधर नहीं गया, आई वॉज कम्प्लीटली ग्लूड ऑन माई सीट, इट वॉज रियली नाइस। मैं आभारी हूँ सुदेश शर्मा जी का, जिन्होंने भारतीय नाट्य अकेडमी के तीन नाटकों को अपने एक महीने के फेस्टिवल में शामिल किया, और जो व्यवस्था उन्होंने की हमारे 47 कलाकारों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। यहाँ पे जो भी कलाकार कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो सबका दिल जीता। यहाँ की ऑडियंस ने जो हमें उत्साह वर्धन किया, उसके भी हम आभारी हैं। तीनों दिन खजाखच हॉल भरा रहा और तालियां मिलती रही, इससे हमारी तीनों दिन के और कलाकारों के उत्साह वर्धन हुआ। टीएफटी 14वां फेस्टिवल है यहाँ का, बहुत शानदार फेस्टिवल किया यहाँ पे लोगों ने, उसमें हम लोग अपना 3 दिन का एक नाट्य समारोह हम भी कह सकते हैं कि हम भी कर रहे हैं इनके साथ, तो 3 दिन भारतेंदु नाट्य अकेडमी रंगमंडल के द्वारा प्रस्तुतियां की गईं। आज हमने जो प्ले किया है वो शूद्रक द्वारा लिखित नाटक है जिसका नाम है मृक्ष काटिकम। हम लोगों ने उसको समसामयिक संदर्भों में करते हुए उसको जो किया उसका था मच मच गाड़ी, जिसके निर्देशक हमारी रंगमंडल चीफ मैम चित्रा मैम थी, और बाकी मुझे भी लगता है कि TFT का इस तरह से सपोर्ट हम लोगों को आगे भी मिलेगा। नाट्य की दुनिया में पहुँचना, बैठना, कुछ पल पास करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ जहाँ ऐसा नाट्य, ऐसा रस बरसता हो, वहाँ बसंत हर समय होते हैं। सो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज रूबरू प्रोग्राम में कलाकारों के साथ अपने मन की बात कहने का मौका मिला। आज ज़रूरत है दुनिया को ऐसे भावनाओं की दुनिया में ले जाने के लिए, इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं हो सकता। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। यहाँ पे जो TFT का फेस्टिवल है ये बहुत ही अच्छा लगा हमें, यहाँ की ऑडियंस और यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, एंड ये जो प्ले है इट्स अबाउट डेमोक्रेसी, एक जो है नगरी में किस तरीके से सारे चारों पहलुओं को राज सत्ता, संस्कृति विभाग, न्यायपालिका, न्याय परिषद को एक आदमी ने कब्जे में किया है, उससे आज़ादी दिलाना, उससे आज़ादी पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का, चंडीगढ़ वालों, आप लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छी ऑडियंस थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू TFT फॉर कॉलिंग अस ओवर हियर, थैंक यू। बहुत अच्छा TFT 14th नेशनल थिएटर फेस्टिवल, बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। आज हमारी 3rd परफॉर्मेंस थी मच मच गाड़ी के नाम से, एंड रियली रियली आई एम एन्जॉइंग दिस फेस्टिवल।
और मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, मैं कहती हूँ सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहिए, आना चाहिए, थिएटर देखना चाहिए, क्योंकि थिएटर को ऑडियंस चाहिए, मैक्सिमम ऑडियंस। और रियली ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर लोग आएंगे थिएटर देखेंगे तो वो उससे जुड़ेंगे और कभी भी और कहीं नहीं जाकर थिएटर के लिए एकदम जिसे कहना चाहिए दर्शक बन जाएंगे। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, हम इंजॉय कर रहे हैं, आगे भी बहुत से प्लेज अभी इसमें होने हैं, होते रहेंगे। रियली दिस इज़ वंडरफुल फेस्टिवल, आई लव इट। मैं पहली बार चंडीगढ़ आई और यहाँ का विंटर फेस्टिवल में मैं आई तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो शहर बहुत अच्छा है, शहर के लोग बहुत अच्छे लगे और थिएटर से इतना जुड़ाव और इतना लगाव देख के तो बहुत ही अच्छा लगा कि रात के 9 बजे तक ठंड में बैठ के सब बिल्कुल उठ के नहीं गए एक भी दर्शक हमारे। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सबका प्यार मिला और बहुत अच्छा लगा ये फेस्टिवल। मुझे बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम मैं चंडीगढ़ आई हूँ अपना शो करने। नच्छकटिकम शूद्रक रचित नाटक है और ये दो प्रेमियों के बारे में कहानी है और अपने सोसाइटी के बारे में जो पहले चीज़ें नहीं थी, जो हम लोगों के बीच घटित होता था, जो हमारी एक प्रजा के द्वारा चुने जाते थे राजा, तब ये घटित होता था। और आज का समय कुछ और है, पहले का कुछ और है, लेकिन चीज़ें अभी वही चल रही हैं। और यहाँ के बारे में कहूँ तो यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी और इतना ख्याल रखते थे लोग हमें ले जाना ले आना, तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा चंडीगढ़ ये फेस्टिवल। वाओ, मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार आऊँ यहाँ। थैंक यू।